नंबर बनाने का चक्कर है, मुख्यमंत्री जी सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी आप तो रहते हैं ओटीएस में, मैं रहता हूं सिविल लाइंस में। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन आदमी रात को सिविल लाइंस में जा रहा है, ये आपको भी निपटाने के चक्कर में मैं बता दूंगा आपको। मेरे को सब पता है इनका एक एक का कौन रात को कहां जा रहा है। माननीय मंत्री जी ये यहां आपके सामने कुछ कहते हैं और पीछे से कुछ कहते हैं, मेरे को सब पता है क्योंकि मैं रात को टहलता हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आप जिस थाने का निरीक्षण करने गए तो आपका प्रोटोकॉल में कोई अधिकारी नहीं पहुंचे और थाने के निरीक्षण में आप हाजिरी भर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। राजस्थान की जनता ने आपको ताकत दी है कि आप इन लोगों से हाजिरी भरो, ये बैठे गैलरी में भरेंगे हाजिरी, आपको भरने की कहां जरूरत है। हम और आप ही हाजिरी भरने लग गए और थानेदार की कुर्सी पर बैठ गए, लोग कह रहे थे कि साहब हमने मुख्यमंत्री बनाया कि थानेदार पता ही नहीं हो चल रहा। मैं ये लोग आपको आप ही के पक्ष के लोग नहीं चाहते कि आप जैसा सज्जन व्यक्ति सरल सौम्य हमेशा हंसते रहने वाला मुख्यमंत्री ज्यादा समय चले, ये ज्यादातर नहीं चाहते। और वो भी ये जो आपकी जो फ्रंट रो है ना, ये दो रो छोड़ दो बाकी पीछे यही मामला है और यही सभी और है, यही लोग लगातार आपकी ओर भी है, यही लोग लगातार इस सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस सरकार की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, एक कंफ्यूजन की स्थिति इस पूरी सरकार के अंदर। कंफ्यूजन पहले तो बहुत दिन तक सीएम का रहा, फिर मंत्रियों का रहा, फिर मंत्रियों के डिपार्टमेंट का रहा और इसी में लगभग एक डेढ़ महीना निकल गया। अब उसके बाद में किराए पे तो सीएस है, किराए पे डीजी है, डबल एजी के लिए हाई कोर्ट इनके रोज डांट लगा रहा है, आईएएस की सूची सुबह आती है शाम को उसमें संशोधन आ जाता है, 22 तारीख को ओपीएस के ऑर्डर जारी होते हैं, 24 तारीख को फिर एनपीएस के ऑर्डर आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे मंत्री हैं ये ऐसे का इंतजार कर रहे हैं, इनके पीएस लगे, इनका स्टाफ लगे, इसका इंतजार कर रहे हैं और ज़्यादातर अधिकारियों को एपीओ कर रखा है, ज़्यादातर एक एक के पास। आज मैं पढ़ रहा था सुबह एक अखबार ने छापा, पता नहीं 50 से अधिक जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है। तो आप ये असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है, तो वो 100 दिन की कार्य योजना बनी है उसको आप कब पूरा करेंगे।